औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर इसका 4 है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 8 आवर। तो अब हम देखेंगे इसको, यानी एक दिन, दिन जो है उसमें कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो एक डे लिखा है हम, इधर 8 आवर्स लिखा है, तो हमने घंटे लिखने हैं कि दिन में कितने घंटे आते हैं। तो सबसे पहले इसमें कितने आते हैं, 8 आवर्स, 8 आवर्स, और एक दिन में 24 आवर्स, कितने घंटे आते हैं, 24। ये आते हैं किस में, ये दिन, यानी बाय डे। अब हम क्या करेंगे कि यानी पूरा होल, पूरा दिन का होल डे, होल जो है इसमें आते हैं 24 आवर्स, आप जान गए हैं। तो इसमें क्या ये किसके बराबर है, यानी 8 आवर्स अपॉन 24 आवर्स, 24 आवर्स, 24 आवर्स। तो इस तरह हम करेंगे, ये किसके बराबर होगा, 8 अपॉन 24। तो इसको हम लिखेंगे, एट वन जा एट, एट थ्री जा 24, ये आ गया 1/3, कितना आ गया, 1/3। तो ये कितने आ जाएंगे, इसमें 8 आवर्स प्लस 8 आवर्स प्लस 8 आवर्स, कितने आगे, 1, 2, 3, 8 प्लस 8 प्लस 8, कितने आगे, 24। तो अब एक बच्चा जो है वो इसको डिवाइड करता है तीन हिस्सों में। पहला हिस्सा जो है वो स्टडी करता है, एक हिस्से में इसमें स्टडी करता है, और दूसरे में प्ले करता है और लंच करता है, और तीसरे में क्या करता है, रेस्ट, आराम करता है और सो जाता है। यानी 24 घंटों को तीन हिस्सों में एक बच्चा बांटता है। तो पहले हिस्से में ये स्टडी, दूसरे में प्ले लंच, तीसरे में रेस्ट और स्लीप। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने कंप्लीट किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम करने जा रहे हैं।